Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अब P O W E आ गया, अब हम E की स्टेज पे आ गए, इवेलुएट। ओके, अब हमने क्या करना है कि एक रफ ड्राफ्ट हमारे पास बन गया और उसके बाद सही हो गया। अब ये चीजें हैं कि कंटेंट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, ये चीजें हम लोगों ने देखनी है इस स्टेज पे, E वाली स्टेज पे, इवेलुएट। अब कंटेंट में कि आप कहना है क्या चाहते हो, स्ट्रक्चर में कि सही जा रहा है, वो लॉजिकली जा रहा है जैसे आप लिखना चाहते हो, जैसे आप बताना चाहते हो किसी को बात। अब मतलब आप इसी चीज को ले लें कि अगर मैंने आपको पावर का फॉर्मूला समझाना है तो अगर मैं आपको पहले आर से स्टार्ट करवाऊं कि भाई आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको वो वाली चीज स्टार्ट कराऊं, शुरू का बताऊं यहाँ कि आपने अपने माइंड को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें मैं स्किप कर दूं और मैं आपको एंड से स्टार्ट करूं या मैं मिड से स्टार्ट करूं, लाइक मैं आपको इवेल्युएट की स्टेज अभी बताने लगी हूं और पीछे से मैंने कुछ नहीं बताया, तो आपको क्या समझ आएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने कुछ भी लिखना है उसको देखना है कि जो पहले की चीज जो बताने वाली है रीडर को, आपने रीडर की तरह सोचना है कि रीडर को ये चीज समझ आ रही है, मतलब उसको मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ये उसको सही समझ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना, आपने रीडर की तरह सोचना है और फिर एंड पे जो है वो फॉर्मेटिंग वगैरह का आता है और लैंग्वेज का ये कि आपकी टोन वगैरह कैसी है और आप उसे बता कैसे रहे हो, ठीक है। अब हम कंटेंट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जब भी आप लिख रहे होते हो, सही है। अच्छा, ऐसा हो गया कि अब आपने रीडर की तरह सोचा है कि को इस तरह से रीडर की तरह से सोचना है कि आपका जो भी रीडर है वो उसको क्या चीज चाहिए हो सकती है अगर आपका वो लिखा हुआ पीस अगर वो पढ़ेगा,